कोशिश है कि वो अपने ग्रेनेड्स के साथ ही फिनिश करे। अगर ये अंदर पहुंच जाते हैं शैक के तो इधर प्रॉब्लम्स क्या, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्योंकि दो प्लेयर्स इधर फंस जाएंगे। तब रॉनी को बचाने के लिए देखिए स्लैम आ चुका है, इस पावर पहुंच चुके हैं अपने एस ट्वेल्व के साथ, क्योंकि जब से इधर डीपीएस का पावर थोड़ा कम हुआ है तब से एस ट्वेल्व के का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ। और ये ग्रेनेड अभी तक कनेक्ट हुआ नहीं है, बट नकुल सिक्रेट को नॉक करेंगे। टीम आइकू सोल की अगर बात करें, उनके चारों के चारों प्लेयर्स लाइव, बैक टू बैक फ्रैक्स का इस्तेमाल और ग्रेनेड से नॉक निकाले जा रहे हैं। लेब्रॉन भी इधर नॉक हो चुके हैं। इस बार हम लोगों को लग रहा है कि शायद टीम आइकू सोल का पूरा पूरा फायदा इधर रहेगा। इन्फिनिटी रहने वाले आखिरी प्लेयर शैक के अंदर है, उनको भी फिनिश कर दिया जाएगा और टोटल चार फिनिशेस लेके बाद इस मुकाबले के अंदर बहुत ही बढ़िया। नकुल और एस्पा ने दिखा दिया कि भाई अगर आप हमसे पंगा लोगे तो आपके लिए परेशानियां खड़ी होंगी। नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर लॉस्ट, टीम आई अकेले प्लेयर है उनके पूरे टीम के तरफ से एज अ लीडर, लेकिन उनके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी टीम को आगे लेके जाने की। मान्या ऑन द ग्राउंड लीडर की बात कर रहे हैं, इसको इनको कैसे भूल सकते हैं। एडमिनो उन्होंने नॉक जरूर किया, लेकिन वही है कि लीडर को बचाने के लिए उनके जो टीममेट्स हैं वो हमेशा रेडी है। तीन टीमें बची और इन सबके बीच में टीम आइकू सोल, दे आर लुकिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जहां पर ग्लोबल ईस्पोर्ट्स इतनी देर तक एवरेस्ट होल्ड कर रही थी, अब उनसे वो एवरेस्ट छीन के अपने आप को नंबर वन बनाया जा सकता है। 14 फिनिशेस हैं और इसमें से अभी भी सबसे ज्यादा नजर आते हुए एक इंसान के जिसका नाम चलता है, दैट्स गोना बी एस पावर, लुकिंग सो कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, और उसी के साथ देखिए ये जो फाइट है, ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस पावर विद मावी को जस्ट ओनली 20 एचपी पे छोड़ा गया है, लेकिन क्या वो बीस्ट को भी लेके जा पाएंगे वो देखना होगा। मावी नो वे, पोजीशन चेंज उन्होंने किया नहीं और सेम जगह पे रह गए, जिसके वजह से एक नॉक उनकी तरफ से मिलेगा। हाइट और उसी के साथ साथ कोशिश कर रही है कि प्लेयर्स है किधर नीचे, बट मार्कोस गेमिंग क्या वो इधर मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं आइकू सोल के लिए, क्योंकि नकुल ऑलरेडी नॉक्ड आउट है, रॉनी अपने आप को हील कर चुके हैं, बट कारी के अंदर बैठे हुए हैं। ये एक सरप्राइज हो सकता है रॉनी के लिए, और ये जगह से अगर सरप्राइज मिलता है मुश्किल होगा, बट इंफॉर्मेशन दे दिया गया, इस पावर खत्म हो चुके हैं नौ फिनिशेस के साथ और टीम आइकू सोल धीरे धीरे प्लेयर्स गवाते जा रहे हैं। क्या मार्कोस गेमिंग फर्स्ट डे पे जो करके दिखाए थे वो कर पाएंगे? बट नो, रॉनी कह रहे हैं मैं अभी भी जिंदा हूं, लेकिन कब तक, कितनी देर तक जिंदा है प्लेयर, इनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, ऊपर से ग्लोबल ईस्पोर्ट्स परेशान कर रही थी। नो वे समथिंग बैड हैपेंड एंड दैट्स गोना बी बीस्ट, द नेम इज बीस्ट और ये प्लेयर एक बीस्ट परफॉर्मेंस ही दिखाएगा। भाई पूरी टीम ने भी बहुत अच्छा खेला है, बढ़िया। जो सेकंड पोजीशन का जंप है ओवरऑल एमवीपी रैंकिंग के अंदर, अब ये सबसे ज्यादा बड़ा एक क्वेश्चन रहेगा बाकी प्लेयर्स के लिए, बिकॉज दे हैव टू बकल अप सेल्फ। इससे